तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस बैंक वेंचर एकेडमी में। अपना CBCR चलेगा, आज पता होगा, अनाउंसमेंट कर दिया था कि सर कल का जो टॉपिक है मैथ्स का, उसके जो क्वेश्चन है IIT लेवल तक के लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ क्या है, ठीक है। तब से आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन का देख लिया और उसको पुश करके वीडियो को उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गलती से ऑप्शन में भी टिक हो गया तो ज्यादा खुश मत होना, ठीक है। तो देखना पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई आपको क्या दिया है, कोई आपको एक दिया है क्या, एक डायग्राम दिया है जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस सिक्स है, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन है और इस पर एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या है आपका, पी है मान लो 1,7 है, ठीक है इतना। और आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, क्या सर्कल की इक्वेशन है, x² y² प्लस 16x प्लस 12y प्लस c बराबर 0, एक इसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो पहले वीडियो में आप देख चुके हैं ना, इस इक्वेशन से आप रेडियस कैसे फाइंड करते थे और सेंटर कैसे फाइंड करते थे, वो आपको पता होगा, फिर से फाइंड कर लेते हैं क्योंकि काम लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है पता है, ए सी की वैल्यू पूछी है। सवाल क्या समझा कि ये कोई डायग्राम है, इस पर एक पॉइंट है A7 और ये जो पॉइंट है इस सर्कल पर है और उस पॉइंट से इस सर्कल की टेंजेंट खींची जाती है। मान लो ये आपका क्या है, एक सर्कल है और इस पर ये जो पॉइंट है पी, ये यहाँ से इस पर क्या खींची जाती है, एक क्या खींची जाती है, टेंजेंट खींची जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना होगा इस वृत्त का क्या है, इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर क्या होगा। तो यहाँ से आप लोगों को पता होगा सेंटर कैसे फाइंड करेंगे और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये दूरी जो होगी आपकी, वो मान लो इसको जो ओपी है आपकी, वो क्या होगी, रेडियस होगी। तो पहले आप ओपी वो क्या होगा वो फाइंड करो, ठीक है, यानी कि सेंटर क्या होगा। तो यहाँ से देखना मैंने क्या बताया था, एक्स का कोफिशियंट बाई टू बराबर इसके होता है जी के, तो एक्स का कोफिशियंट 16, इसका वाई टू करेंगे तो 8 आएगा, इसका वाई टू करेंगे तो यह बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैंने क्या बोला था, सेंटर क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ, माइनस जी की वैल्यू -8, माइनस एफ की वैल्यू -6, ठीक है। यहाँ पर सेंटर हो गया, कितना है सेंटर देखो, -8, -6। अब रेडियस फाइंड करना जरा, यहाँ से रेडियस क्या होगी तुम्हारी, अंडर रूट में 8 का यानी जी का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना, 64, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर 36 माइनस सी, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, सी तो दिया नहीं है कुछ नहीं है तो सी रखेंगे, ये तुम्हारा हो गया 100 माइनस सी, ये तुम्हारा एक रेडियस हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपने को क्या चाहिए, यदि हमको ये मिल जाए, इस सर ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है। अब इसकी इक्वेशन कैसे मिलेगी, ये वाले डायग्राम की जो इक्वेशन दी है इससे, अब कोई भी डायग्राम हो यदि उसकी टेंजेंट की इक्वेशन करते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी कि अवकलन करते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी इक्वेशन मिल जाती है, उसकी टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। तो जब इसका अवकलन करेंगे, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब इसका आपको पता है कि कौन सा भी कॉन्स्टेंट वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 आता है। तो देख रहे हैं dy/dx क्या होता है इसका, देखो dy/dx का मतलब क्या होता है पता है, ये अब यानी कि आपका जो ढाल होता है, ढाल, ठीक है, ऐसे गाड़ी भगाए इतना ऊपर ब्रेक लगाए फिर नीचे वही ढाल, ठीक है, तो ये क्या होता है m, ठीक है। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन आपको यार फार्मूला पता होगा, डी ए यदि एक्स पावर एन है और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है, उसी में ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ये जो आपका आया है, ये मैं पॉइंट पी पर निकालूँ, पॉइंट पी पर निकालने का मतलब ये है जो भी यहाँ पे एक्स के रूप में आया या फिर वाई के रूप में आता तो वहाँ पे पॉइंट पी पे जो एक्स और वाई की वैल्यू है वही यहाँ पे रख देते, यानी पॉइंट पी पे एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, 1 है और वाई की वैल्यू 7 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 2।
यानी कि इसका जो यम आया है कितना आया है, टू आया है। इतना क्लियर है, यम कितना आया, टू आया है। हमको यम मिल गया और हमको पता है ये जो पी दिया है एक कॉमा सात, ये क्या है, एक्स वन बराबर कितना है एक है और वाई वन बराबर कितना है सात है। जब तुमको ये मिला है और ये तुमको मिला है तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड होगी देखना जरा, क्या होता है फार्मूला, वाई माइनस वाई वन और वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वाई वन क्या है आपका सात है, बराबर एम कितना है दो है, एक्स है एक्स वन कितना है देखना जरा एक है। कितना हो गया ये वाई माइनस सात अंडर मल्टीप्लाई किया टू एक्स माइनस टू, वाई इधर गया टू एक्स माइनस वाई सात इधर गया, प्लस में जाएगा तो प्लस फाइव माइनस दो है ना। ये तुम्हारी किसकी इक्वेशन है, ये जो स्पर्श रेखा है इसकी इक्वेशन देखना जरा, ये है टू एक्स माइनस वाई प्लस फाइव। देख लेना कैसा किया हो, दिख रहा है 2x प्लस फाइव क्या है, 2x माइनस वाई प्लस फाइव बराबर जीरो। देखना कैसे किया, ये डायग्राम की इक्वेशन दी थी, इतना क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन किया, कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है हमेशा जीरो होता है, इसलिए उसका किया नहीं। तो 2x हो गया इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का, ये डिवाइड बाई dx क्या होता है तुम्हारा m होता है। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था कहाँ पे, इस पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो dy by dx एट पॉइंट p पे निकालेंगे तो p पे जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे x की वैल्यू रख दिए तो यहाँ पर आपको कितना आ गया आपका टू आ गया। अब देखना p एक कॉमा सात है तो यहाँ पे x1 की वैल्यू एक है y1 की वैल्यू सात है, तो इससे कैसे निकालेंगे हम लोग क्या टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस वाई वन एक बराबर क्या होता है m, यानी कि जो आपका ढाल है x माइनस एक्स वन, y माइनस सात यानी y1 की वैल्यू x माइनस वन, इतना इतना इतना। तो यहाँ से आपका निकल जाता है क्या इसकी इक्वेशन, ठीक है, इस टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमें बताना ये जो रेडियस है, और एक तरीके से निकाली जा सकती है, एक तरीका तो ये था और एक तरीके से निकाली जाती है, भैया बोलोगे कि इंडियन की इसकी डिस्टेंस निकाल दो तो भी सी का वैल्यू निकल सकता है ना, तो भी सी का वैल्यू निकल सकता है। यदि आप यहाँ से ये जो आपका टेंजेंट है, कौन सा भी टेंजेंट होता है जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट करता है सर्कल के, और उस यदि उस सर्कल के उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और यदि उसके सेंटर से उस लाइन उस पॉइंट को मिलाते हैं तो वो जो लाइन होती है उस पॉइंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब परपेंडिकुलर होती है तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है पता है, इक्वेशन दिया और पॉइंट दिया तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा देखना, यानी दोनों तरफ से रेडियस ही निकलेगा, लेकिन हमको रेडियस कैसे चाहिए, सी के रूप में चाहिए, सी के रूप में मिल चुका है, लेकिन एक के बराबर में चाहिए क्या कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो सी का वैल्यू, सी का मान निकल जाएगा। देखना ये भी आर बराबर होगा किसके, सौ माइनस सी अंडर रूट में, ये बराबर होगा मॉड में। देखना इसके लिए फार्मूला मैं क्या लगा रहा हूँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे ए क्या है टू है इन टू, यहाँ पे देखना एक्स वन कितना है माइनस एट है, इतना क्लियर। प्लस बी क्या है यहाँ पे देखना माइनस वन है, और यहाँ पे सी कितना है देखना सी, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे देखना वाई वन कितना है माइनस छ, और प्लस सी कितना है यहाँ पे देखना पाँच है रख दिया। अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है दो है और बी क्या है माइनस वन है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर चार प्लस एक का स्क्वायर इतना है। अब देखना इसको ऐसे उतारा मैंने, बराबर दो आठ सोलह माइनस में प्लस छ प्लस पाँच, यहाँ पे इतना है अंडर रूट पाँच। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, छः पाँच ग्यारह और सोलह कितना आ जाएगा पाँच, पाँच आएगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं पाँच अंडर रूट पाँच अंडर रूट पाँच। अब बोलोगे भैया माइनस कहाँ गया, तो एक में माइनस लगा दो, नीचे अंडर रूट पाँच है ये अंडर रूट पाँच, ये अंडर रूट पाँच कट गया, ये मॉड खुलेगा तो ये प्लस में लो चाहे माइनस में लो, आंसर आना है तो प्लस में अपन लेते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया होगा ना, उस पर देखना कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। देखना जब हम लोग इसको लिए प्लस में सौ माइनस सी
बराबर क्या है, केवल माइनस अंडर रूट पांच पता है, अंडर रूट पांच बचा है, दोनों तरफ का मैंने क्या किया स्क्वायर किया, जब दोनों का तरफ का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, ये क्या हो गया 100 माइनस सी बराबर 5 आ गया, तो सी बराबर क्या आएगा उधर जाएगा तो कितना जाएगा 95। यहाँ से आपको क्लियर होता है तो आपका जो ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन था। ये आईआईटी कभी आया था यार, आईआईटी में, आईआईटी में 2016 में आया था ये क्वेश्चन, जो कि आपके सामने इसका सोल्यूशन है, इसको नोट करना और फिर दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, इसको नोट करना। ठीक है, तो देखना आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखना जरा, कि दिया है इसने एक यस सर्कल दिया है, ये सर्कल दिया है यस, और मैं इस सर्कल को मानता हूँ यस डैश, तो यस डैश की सर्कल क्या है, इसके इक्वेशन क्या है उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस बारह बराबर जीरो, मैंने सब कर दिया क्योंकि टाइम लगेगा फालतू में, तो जी बराबर माइनस टू या बराबर तीन निकाल लेंगे आप, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा दो कॉमा माइनस तीन, आपका रेडियस क्या होगा, ये कैसे निकलता है पता है इसका, पहला आपने क्वेश्चन देखा होगा, रेडियस क्या होता है जी का स्क्वायर चार, इसका स्क्वायर नौ, और सी कितना है माइनस सी होता है, ये माइनस बारह पहले से है तो कितना जाएगा प्लस बारह, नौ चार तेरह बारह पच्चीस कितना आएगा पाँच, ये आर क्या है यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको देखना जरा, ये आर मैंने निकाल लिया ये वाले सर्कल की, ठीक है ये एच डैश जो दिया है, समझना एकदम अच्छे से क्वेश्चन को, ये जो ए है जिस सर्कल की रेडियस ज्ञात करनी है उस सर्कल का क्या है सेंटर है, तो ये सेंटर हमको दिया है माइनस तीन कॉमा दो, हमको पता है हमको ओ भी पता है, ओ कितना है दो कॉमा माइनस तीन, क्योंकि ये जो ओ है कितना है दो कॉमा माइनस तीन, क्वेश्चन से आपको डायग्राम समझा देता हूँ, उसमें क्या बोला है कि जो यस डैश का डायमीटर है वो यस की क्या है कॉर्ड है, वो यस की क्या है कॉर्ड है, तो बताओ उसको रेडियस ऑफ यस का क्या होगा, तो देखना ये इतना है ये इतना है, तो आप ओ ए निकाल लो यहीं पे, क्या निकालोगे ओ ए निकाल लो, ओ ए क्या होता है ये इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, इनके बीच की डिस्टेंस तो निकाल सकते हो, वैसे निकलेगा दो प्लस तीन का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं, दो प्लस तीन का होल स्क्वायर करोगे यानी तीन दो पाँच, पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस, ठीक है, और माइनस तीन माइनस दो यानी माइनस पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस ही हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा पचास, जब ओ ए बोलोगे तो अंडर रूट में पचास होएगा और पाँच बाहर आएगा तो पाँच अंडर रूट दो, ये तुम्हारा निकल जाता है क्या ओ ए, ये डिस्टेंस तुम्हारी निकल के आ जाती है, यहाँ पे बताना जो यस है इसकी रेडियस क्या होगी ए बी, यानी यदि हम ए बी की लेंथ निकाल लें तो इसकी रेडियस मिल जाएगी और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हैं पाँच रूट दो, पाँच रूट दो, पाँच रूट तीन, पाँच और दस, ठीक है कौन सा होगा गेस करना, उस करके सॉल्व भी कर सकते हो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे पहले ही, देखो हमको ये लेंथ पता करनी है, तो क्या आप बोल सकते हो कि जो यस है ये यस की रेडियस क्या है ओ बी है, ओ बी क्या है सर्कल किसकी यस की क्या है रेडियस है ना, जो सर्कल की रेडियस है तो मैंने ओ बी पहले से निकाला है तो ओ बी बराबर कितना हो गया पाँच हो गया, ये सब ध्यान रखना है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओ बी बराबर पाँच, ओ ए बराबर पाँच छोड़ दो, ये पता हो गया ये पता हो गया, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, कैसे है ये थोड़ा कि इस प्रकार है ना, ये क्या है थोड़ा इस प्रकार है, यहाँ पे पॉइंट बी है ए है और आपका ये ओ है, ये तुम्हारे लिए कितना निकल के आया ओ ए पाँच रूट दो, ओ बी कितना निकल के आया है पाँच, तो तुम हमको बताओ ए बी जो है रेडियस किसकी है यस की, जिसके निकालना है वो तुम फाइंड कर सकते हो, कौन सा थ्योरम लगाओगे पी जी टी, बोलोगे ये कौन सा थ्योरम है, ये थ्योरम भैया पाइथागोरस थ्योरम है, समझ गए, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ए बी का स्क्वायर करके पाँच का स्क्वायर पच्चीस प्लस इसका स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस दूना पचास, ये कितना आ गया पचहत्तर, ठीक है
ए बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या गया, रूट में गया ये 75, तो ए बी बराबर कितना आ गया 5√3। ये तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ एस बराबर आ गया तुम्हारा 5√3। ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड वाला, ठीक है ऑप्शन सेकंड वाला सही। इतना क्लियर हुआ, फिर से देखना क्वेश्चन में पूछ बोला क्या था कि एक आपको सर्कल दिया है, सर्कल की इक्वेशन दी है, ये सर्कल जो है, इस सर्कल की जो डायमीटर है, ये डायमीटर दूसरे सर्कल की क्या है, कॉर्ड है। उसने ये बोला कॉर्ड है और उसका जो सेंटर है वो गिवन है। इस इक्वेशन की सहायता से मैंने इसका सेंटर निकाला और इसकी रेडियस यानी ओ बी निकाला। इतना क्लियर, हमको फाइंड क्या करना था, ए बी, ए बी ही तो इसकी रेडियस है, इसके सेंटर से यहाँ की दूरी ना, ए क्या है, ये इसका सेंटर है समझे। तो मैं मुझे ए बी निकालना था, ओ ए कैसे निकला पता है, ओ ए क्या है, ओ ए कैसे निकला, क्योंकि इसका सेंटर भी दिया है, इसका सेंटर हमने निकाला है, तो दोनों के बीच की दूरी ओ ए निकल गया, ओ बी तो इसकी रेडियस ही थी, इसकी रेडियस मिल गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो ए बी निकाल दिया, तो इसकी कॉर्ड मिल गई। इसको कॉपी करना, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, 5-6 क्वेश्चन है करा के फिर अलविदा करेंगे आपको, ठीक है। देखना थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, डायग्राम में बना देना, टाइम लगता हो फिर टाइम वेस्ट होता फालतू का। देखो ये सर्कल की इक्वेशन दी आपको ये, ठीक है, और उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखना, आपके स्क्रीन पर तो आ ही गया होगा। बोला है कि यदि जो ओ ए तथा ओ बी है, ओ ए तथा ओ बी जो है ये मूल बिंदु, मूल बिंदु बोला यानी कि ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जो होती है 0.0, ऑरिजिन पॉइंट से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -6x -8y +21 = 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तब AB किसके बराबर होगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि मैं बोल लूँ उस सवाल को भूल जाओ, पहले इसको सीखो। यदि ये पॉइंट मान लो P है और ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, और इसकी कोई इक्वेशन दी है मान लो x2 + y2 +2gx +2hx +c = 0, तेरी आंखों में वो दासी, ये सब नहीं। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ये पॉइंट इस पर है, जब ये पॉइंट इस पर है, जब तक हम लोग क्या लगाएंगे, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये t1 बराबर होता है, ठीक है। t1 बराबर क्या होता है, x स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, x1 x लिखते हैं, y स्क्वायर पे लिखते हैं y1 y लिखते हैं, और 2gx की जगह पे लिखते हैं हम लोग x1 x/2, ये केवल x की जगह पे लिखा हूँ, और फिर 2h फिर y की जगह पे क्या लिखेंगे, y प्लस y1 कौन सा भी आगे पीछे कर लो प्लस c बराबर 0। यही होता है तुम्हारा रिप्लेसमेंट। जब ये रिप्लेसमेंट लगाओगे तो तुम्हें जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन आपको इस टेंजेंट की मिलेगी, इस टेंजेंट की मिलेगी, इस टेंजेंट की मिलेगी, ठीक है, डायरेक्टली इससे मिल जाती है ना। और एक बात सुनना, यदि ये पॉइंट यहाँ पे कहीं है, x1 y1 मान लो, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं है ऐसा खींचा गया, तो आपको जो ये कॉन्टैक्ट होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की आपको इक्वेशन मिलती है, तब कब, जब ये लगाओगे, कब मिलेगी, जब ये पी वाला पॉइंट बाहर हो, कि कब किसके बाहर हो, सर्कल के बाहर हो, तब रिप्लेसमेंट लगाएंगे ऐसे, तो हमको क्या मिलती है, इस कॉर्ड की इक्वेशन, वही इन्हीं वाला सेम यहाँ पे भी लगेगा, पॉइंट बाहर है, ये वाला रिप्लेसमेंट लगाएंगे, इसमें क्या मिलेगा अपने को, इसका इक्वेशन मिल जाएगा, जब इसका इक्वेशन मिल जाएगा तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लेगो ना। और एक देखना, एक होता है t1 बराबर s1, s1 क्या होता है, यदि मान लो कोई पॉइंट है p, वो दिया तुमको x1 y1, यही x1 y1 यहाँ x और y की जगह पे फिट कर, ठीक है। तो जब तुम ये कब लगाओगे, जब आपको इसका कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया जाएगा, इसको कॉपी करना चाहो तो कर लो ये चीज को, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है, कॉपी करना चाहो तो कर लो फटाफट, ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं आपको। कैमरा पता नहीं किसे टेढ़े हो जाते, देखो जरा यहाँ पे पूछा क्या है, ए बी की लेंथ पूछी है ना,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, तो ए बी कैसे फाइंड होगा। मैं क्या बोलता हूँ कि जब ये जो है ए बी जो है कॉर्ड किस कॉर्ड है इसी ये वाले सर्कल की, जब इसकी कॉर्ड है तो जब इसके सेंटर से इस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इसको बाइसेक्ट करेगी, वो भी दोनों इक्वल, ये भी इक्वल होगा, ये वाला भी पार्ट भी इक्वल होगा, यानी ए एम इक्वल होगा ए बी के, यानी ए बी जो होगा टू ए एम बोल सकते हो फिर टू बी एम बोल सकते हो, क्या क्लियर हुआ। अब हमें बताना कि हम ए एम की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए एम की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखना जरा ये आपको क्या है, नब्बे इंच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नब्बे इंच बन रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। जब नब्बे इंच बन रहा है तो देखना, जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कैसे, जब हमको बोलते हो ये एम सी पता होगा और ये ए सी पता होगा तो हम फाइंड कर लेंगे क्या ए एम। अब बात आती है कि एम सी कैसे निकालें, तो आपको हमें ये बताओ ये आप सी फाइंड कर सकते हैं, सी क्या होगी आपकी, सी होगा आपका वही सेंटर, ठीक है, सी क्या होगा आपका सेंटर होगा, सेंटर होगा 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 सेंटर फाइंड करेंगे आपका। सेंटर यहाँ से कैसे फाइंड होगा देखना, इसको डिवाइड करेंगे टू से यानी माइनस थ्री रहेगा, तो ये कितना रहेगा तीन ए चार, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर होगा कितना तीन कॉमा चार। अब हमें बताना ए बी की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, जो इसके पहले कॉन्सेप्ट होता है क्या लगाएंगे, रिप्लेसमेंट लगाएंगे, कहाँ से ये जीरो कॉमा जीरो जा रही है ना, तो जीरो इंटू एक्स वन इंटू एक्स वाई वन इंटू वाई, दोनों देखो एक्स वन और वाई वन दोनों जीरो है, फिर माइनस छः एक्स वन प्लस एक्स बटे दो माइनस आठ वाई वन बटे वाई वन प्लस वाई बटे दो प्लस इक्कीस बराबर जीरो। अब बताना एक आटा दो तीन छः, एक आटा दो चौक आठ, ये तो सब जीरो ही है, माइनस थ्री वाई माइनस फोर ये थ्री एक्स ना, माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस इक्कीस, इसको इधर भेजेंगे ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर माइनस इक्कीस, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन किसकी है पता है ना, एक इक्वेशन है तुम्हारी इस ए बी की, ए बी क्या है इक्वेशन है ना। जब तुमको ए बी की इक्वेशन पता चल गई तो अब बताओ हमको ए एम सी निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी इस पर क्या होती है, यानी कि आप बताओ हमको सी एम बराबर क्या होगा, सी एम बराबर सी क्या है पता है ना, तीन को बचाने यहाँ पे रखो थ्री इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फोर, इसको इधर करेंगे तो प्लस ट्वेंटी वन, तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पच्चीस, प्लस करेंगे तो पाँच कितना आएगा पाँच, तुमको बताना सी एम कितना आएगा, तीन त्रिक का नौ चार चौक सोलह, सोलह और नौ कितना हो जाएगा सोलह और नौ कितना हो जाएगा, सोलह और नौ कितना हो जाएगा, एक गलत कर रहे हैं आप शायद मानो या ना मानो, ये जो है आपका इसको सॉल्व करना जरा, ये शायद गलत हो रहा है, यहाँ देखो जरा यहाँ से बोलेंगे आप क्या थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस लगाना माइनस फोर वाई और कितना है प्लस इक्कीस है, इसको हल करना जरा माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई, इसको इधर भेज दिया माइनस इक्कीस हो गया, माइनस कॉमन लेना जरा थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस माइनस कॉमन करके ये कट गया बराबर इक्कीस, बोला ना ये गलत हो रहा है, यानी अभी क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस की वजह से पूरी सवाल गड़बड़ा जाती है भाई, देखना जब ये प्लस होगा तो इधर क्या लग जाएगा माइनस, देख मैं तेज कर लो चार चौक सोलह, सोलह नौ कितना हो जाएगा पच्चीस, पच्चीस में इक्कीस का टाइम कितना आएगा चार बट्टे पाँच, ये तुम्हारा क्या हो गया सी एम, सी एम आपका देखना सी एम कितना आया, ये चीज़ आया तुम्हारा चार बट्टे पाँच। अब सी एम निकाल लिया और हमको बताना कि ये जो है ए सी क्या इस क्या ये जो ए सी है इसकी इसकी क्या है रेडियस है, तो इसकी रेडियस कैसे निकलेगी, तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पच्चीस, और पच्चीस में से इक्कीस घटेगा माइनस सी होता है तो कितना आएगा चार अंडर रूट दो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया क्या ए सी बराबर दो, ये दोनों से काम चल जाएगा। अब इसको जूम करना जरा कुछ इस प्रकार है, ये है तुम्हारा ए सी
और यम, ये तुम्हारा क्या है बी, ये दोनों इक्वल है। ए एम निकालोगे तो उसका दो गुना क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी। देखना जरा ए सी कितना निकला है दो, ये कितना है चार बटे पाँच। ए एम निकालना जरा, ए एम का स्क्वायर क्या होगा, गलत कर दिया, ए सी का स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर चार, इसका स्क्वायर है चार चौक सोलह और कितना हो जाएगा पच्चीस बराबर ए एम का स्क्वायर। गुणा किया पच्चीस सौ का सौ, सौ में से सोलह घटाया कितना आया चौरासी बटे पच्चीस बराबर ए एम आ बी नहीं ए एम का स्क्वायर। तो ए एम बराबर हो जाएगा तुम्हारा बारह बटे चौरासी होता है यानी दो बाहर आएगा। तोड़ना इसको जरा, दो तुमको बता रहा हूँ चार तीन बारह, बारह फतेह चौरासी यानी दो बाहर आएगा अंडर रूट में इक्कीस रहेगा और बटे क्या होगा पाँच बारह जगह। तो ये तुम्हारा ए एम हो गया। मैंने क्या बोला ये जो ए बी है ये तुम्हारा बराबर किसके है टू ए एम के, दूसरे गुणा करोगे यहाँ पे तो ये चार हो जाएगा अंडर रूट इक्कीस बटे पाँच। ऑप्शन देखना कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसको कॉपी करना फिर ट्यूशन करवाते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, ठीक देखो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेकिन हाँ थोड़ा आवाज़ हो रहा है और कोई आ भी गया तो कोई आ गया मतलब कोई आ गया। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा उसके लिए आपको एक कंसेप्ट वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए और उस वीडियो को हम लोग कल अपलोड कर देंगे। हमारी टीम और हमारी टीम अभी है ही नहीं, अकेले ही है। और हाँ ये क्या है पता है फाइव नहीं क्या है नाइन है, ये फाइव नहीं क्या है नाइन है। और तुम्हारा बाबू तुम्हें गुड नाइट बोलकर अभी भी ऑनलाइन है, तो बाबू के चक्कर में ना पढ़ो अपनी लाइफ वेस्ट ना करो, करते ना मम्मा पापा का सपना पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू धन्यवाद ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी फॉर आईआईटी। सर्कल का चल रहा है, मैंने बोला कभी भी आएगा आईआईटी लेवल तक का, आईआईटी लेवल मतलब स्कूल लेवल मतलब ऑल द बेस्ट। आप लोगों से बात करने का तो मन तो बहुत करता है लेकिन कायबरा है यहाँ पे ऐसे कैसे बात फीलिंग होती है आपसे बात करने की, इसलिए कमेंट क्या करो कमेंट यहाँ से पढ़ते ऑल द बेस्ट।